बख्शा नहीं है काले चोर, बल्कि हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि अब ये किताब हमारी हो चुकी है और इस पे हक पहले से ही हमारा ही था। इससे पहले कि तुम मौत को गले लगाओ, हम तुम्हारे इस नकाब के पीछे जो शक्ल छुपाई रखी है ना तुमने, उसे देखना चाहते हैं एक बार। हमेशा के लिए हो चुका। गरीब प्रशांत जी, आसमान से टपका, कालीन में अटका, तुम ठीक तो हो? आज तुम जीत गए, पर मेरा वादा है कि ये तुम्हारी आखिरी जीत होगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम किसकी तरफ देख रहे हो? कौन है वो? किताब जरूर तुम्हारे पास है मुच्छर, लेकिन तुम कभी अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा। काले चोर, हम तुम्हें और तुम्हारे जादुई जिन को छोड़ेंगे नहीं। तुम तक हम जरूर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जिनी अंगूठी तक पहुंचना है, क्योंकि जादुई किताब और उसका राज दोनों ही हमारे पास है, और हमें यहाँ तक पहुंचाने वाले भी तुम ही हो। इसीलिए तो कहते हैं, दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को अपने करीब रखो। वैसे तो नहाने भी जाते हैं तो बताकर जाते हैं, और आज काम पर चले गए मुझे बिना बताए। ये महल की नौकरी तो अम्मी से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। दोनों खाए बिना ही चले गए हैं। जीनू को तो चक्कर आने लगे होंगे अब तक। हमने अपने मीर को हमेशा के लिए खो दिया।
मेरे राज को महफूज रखने की कीमत वीर ने अपनी जान देकर चुकाई। वीर के साथ साथ मेरे बेगुदा होने की उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने दामन पर लगे हुए इस दाग को कैसे मिटाऊंगा। रुकिए, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। हमें इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी, इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हर लम्हा हर पल हम सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। तुम्हें नहीं खो सकते अलादीन भी। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अब हमारा हमारा मतलब है हम दोनों को। अब हमारा मतलब है कि हम दोनों को ही तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हम दोनों तुम्हें खोना नहीं चाहते। और फिक्र कैसे नहीं होगी, तुम इतना परेशान जो करते हो। बिना बात मुंह फुलाए तुम ऐसे कहीं भी गायब हो जाते हो, कोई बात नहीं बताते हो हमें। और बताते हो तो पूरी बात नहीं बताते हो। तो बताओ तुम, हमारा झगड़ा कैसे नहीं हो। और झगड़ा तो होता है, लेकिन हम दोस्त है ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कभी कोई बात नहीं छुपाता। तुम हमें बता नहीं सकते थे तुम कहाँ जा रहे हो, और तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आए हो। अब हमारा मतलब है कि हम दोनों को। ये बात तो हमें नुसरत आपा से पता चली कि मीर चाचा को तुमने ढूंढ लिया, लेकिन तुम उन तक पहुंचे कैसे, और तुम यहाँ किसका पीछा कर रहे थे। और मीर चाचा ने तुम्हें कौन से ताले की चाबी दी थी। तुम्हें ना हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। तुम हमारे सवालों का जवाब। मैं खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। ये अच्छा है, तुम वापस हमें गुमराह कर रहे हो ताकि हमारे सवाल बंद हो जाए। ये अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम। मुझे दोस्ती नहीं निभानी, मुझे किसी से दुश्मनी निभानी है। और तुम कैसी हो, अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें जवाब चाहिए, तुम्हें परेशानी हुई, तुम्हें बुरा लगा। मुझे देखो नकचड़ी, क्या तुम्हें मैं लग रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। भाई तुम प्यारी परेशानी जी से क्यों नाराज हो रहे हो। अगर ये नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। सबसे पहले इन्हें ही एहसास हुआ कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो। इन्होंने आके मुझे जगाया, और इनके ही कहने से हम लोग यहाँ जादुई कालीन से आए। सोचो अगर ये नहीं होती तो मैं अभी भी घर में खर्राटे मार के सो रहा होता, और जादुई कालीन की मदद से तुम्हें बचा नहीं पाता। जानता हूँ मैं, मैंने तुम दोनों को जादुई कालीन से आते हुए देखा, इसलिए मैंने छलांग भी मार दी। मुझे माफ कर दो नकचड़ी, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कह दी। लेकिन नकचड़ी, वाकई में मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। तुम्हारे पास भी सिर्फ सवाल है, और मेरे पास भी सिर्फ सवाल है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये हुई ना बात, हम महल पहुंच गए। ये कालीन अब उतरने के लिए तैयार है। अपने कमर की कमर पेटी कसकर बांध दे। टिंग
आते बाते तहीं चटाके जादू वाले चले पटाके, दोनों का लड़ना तो बहाना है, हमें महल में उतरना है। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। नहीं, मैं अभी रुखसार के पास लौटकर उसकी जिंदगी और मुश्किल नहीं बना सकता। अरे आप सुन भी रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। मेरी तरफ पलट कर जवाब तो दे ही सकते हैं। जवाब देने के पैसे नहीं लगते। मैं पलट गया तो तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी रुखसार। आप रफीक भाई की दुकान से आए हैं ना? सारा दिन नहीं है मेरे पास, आपको काम बता देती हूँ, शुरू कर दीजिए। दोस्त होकर भी परेशानी नहीं बांट सकते हैं लालन। वैसे तुम्हारी हरकतें माफी के लायक नहीं है, लेकिन अब तुमने माफी मांग ही ली है तो। हाँ हाँ, दे दीजिए दे दीजिए, इसके मुंह पे माफी मार दीजिए। ठीक है, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, ये हुई ना बात। लेकिन तुमने हमें अभी तक नहीं बताया कि तुम किससे लड़ रहे थे, और वो शख्स कौन था जो तुम्हारी जान लेना चाहता था। मुच्छड़, मीर चाचा की जान भी उसी ने ली है। मुच्छड़? पर मुच्छड़ की मीर चाचा से क्या दुश्मनी हो सकती है, और वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था? लचड़े क्यों? इस किताब में मलिका के बनाए हर जिन का राज छुपा है, चाहे तो पूरी कायनात एक पल में राख कर दे। मीर चाचा ने इस राज की हिफाजत के लिए अपनी जान दी है, मैं ये राज किसी को नहीं बता सकता, तुम्हें भी नहीं निकचड़ी। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो तुम मेरे साथ उस मुच्छड़ के निशाने पर आ जाओगी, और मैं ये होने नहीं दूंगा। आप तो मिस्त्री है ना, तो फिर ये लुटेरे का भेस क्यों बनाया है? चेहरा क्यों ढका हुआ है? वो मुझे आंखों की बीमारी है। आंखों की बीमारी? दिखाइए क्या क्या हुआ आपकी आंखों को। वक्त बेवक्त भीग जाती है। ये आवाज, ये Thank you.
अभी भी वो हकीम हमको बोला किसी से नजर नहीं मिलाने को, नजर मिला तो सामने वाले को तकलीफ हो जाएगा। कौन से हकीम को दिखा रहे हैं आप? कहीं वो इमली के पेड़ के नीचे जो बैठता है वो तो नहीं? इसीलिए आप अभी तक ठीक नहीं हुए। वो हकीम ना पहले झाड़ू पेचा करता था, पता नहीं उसे हकीम किसने बना दिया। और वैसे भी बीमारी आपकी आंखों में है, चेहरा क्यों ढका हुआ है आपने? ताकि नजर का तकलीफ किधर चेहरे पे नहीं आ जाए। वो खोचा हकीम ही बोला हमको ये बात। अच्छा आपका चेहरा है आप जाने, आप बस जल्दी जल्दी काम खत्म कर दीजिए, अंदर आइए बता देती हूँ क्या क्या करना है। मेरी बदनसीबी है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता रुखसार, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ। जल्दी से आ जाइए और काम शुरू कर दीजिए। ये जो सामान है ना इसे यहाँ से हटाना है, और फर्श यहाँ से टूट गया है इसको मरम्मत की जरूरत है, तसला वहाँ रखा हुआ है मैंने, ये सब हो जाएगा तो एक नल है अंदर उसे कस दीजिएगा, और दो तीन कीले ठोकनी है वो, पर आराम से ठोकिएगा कहीं दीवार ना टूट जाए। मेरे होते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ में रहना पड़ता है। बीबी हम करते हैं, हम करते हैं। इसको किधर रखना? यहाँ खिड़की के पास। बीबी तुम रुको, हमको बोलो क्या करना। वो ये टूट गया है। वो चिलमन, अभी के अभी अपना नकाब उतारिए। ये जादुई किताब जिसे हम काले चोर से छीन कर लाए हैं, इसके असली हकदार हम ही हैं। इस जादुई किताब के सीने में बहुत सारे राज दफन हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे सीने में भी बहुत सारे राज दफन हैं। अब क्या कहें, हम भी कमीने, तुम भी कमीनी। लगता है शैतान ने बड़ी फुर्सत में ये जोड़ी बनाई। हम भी अक्सर सोचा करते थे कि हमें भी कोई आका बुलाने वाला हो। अब यह किताब वो पूरा करेगी। ये जादुई किताब हमें शैतानी जिन्हें अंगूठी तक पहुंचाएगी, और फिर पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। हम इस किताब के पन्नों के बारे में जानने के लिए बड़े बेकरार हैं। खेल
हमें भी खेल खेलना बहुत पसंद है और खेल में जीतना भी। लगता है कोई नया खिलाड़ी खेल में उतरा है। किताब से कुछ पूछना है तो कीमत अदा करनी होगी। हम हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। फरमाएं, किताब को क्या चाहिए? खून, तेरे हाथ की पांचों उंगलियों का खून। हाहाहाहा